हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका स्टाइल कॉर्नर। आज की वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू पे होने वाली है। आज मैं आपके साथ वाव स्किन साइंस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँ। प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में रिव्यू भी दूंगी और साथ ही डेमो भी दूंगी ताकि आपको आइडिया लगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसा वर्क करते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ एंड शुरुआत करती हूँ आज की वीडियो। जो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास है वो है वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। आजकल विटामिन सी बेज काफी ट्रेंड में है। रीजन भी है क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारे स्किन पे किसी तरह का स्पॉट है, टॉप स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, वो सबको धीरे धीरे रिकवर करेगा, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, स्किन डैमेज हो गई है तो उसे भी रिपेयर करेगा। फेस वॉश में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलेगा एंड इस फेस वॉश में कोई भी पैराबिन नहीं है, कोई भी सिलिकॉन नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं एडेड है। क्वांटिटी की बात करूँ तो 150 ml क्वांटिटी है एंड इसकी MRP 349 rupees है। ये फोमिंग फेस वॉश है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओरिजिनल टेक्सचर भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है एंड इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो एकदम लेमन वाले जो रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस होती है ना, वही इसकी फ्रेग्रेंस है। समर में यूज करके काफी अच्छा फील करेंगे आप इसे। साइड क्लिप में देख सकते हैं कि ये फेस वॉश आपकी स्किन से जितनी भी ब्लोटी होती है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे बहुत ही अच्छे से रिमूव करेगा, स्किन को ब्राइट बनाएगा, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा। लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल के मार्क्स है तो उसे भी धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है एंड विटामिन सी में बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो डार्क स्पॉट को रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये भी विटामिन सी की रेंज में ही है। ये है वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फेस क्रीम। इसमें आपको विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड की थिकनेस मिल जाएगी। आप कुछ इस तरह के राउंड टब में मिलेगा। पैकिंग काफी अच्छी है, प्लास्टिक का बोतल है एंड इसकी MRP 599 rupees है एंड ये 50 ml क्वांटिटी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओरिजिनल टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही ज्यादा क्रीमी है एंड बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है एंड बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी चिपचिपी एंड ग्रीसी नहीं फील होगी। तो आपकी अगर ऑयली स्किन है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है एंड इस प्रोडक्ट में भी कोई भी पैराबिन नहीं है, कोई भी सिलिकॉन नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं एडेड है। इसकी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो वैसी ही है जैसे विटामिन सी वाली फेस वॉश की है ना, हल्की हल्की उससे मिलती जुलती इसकी भी फ्रेग्रेंस है। फेस क्रीम में आपको विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड दोनों की गुडनेस मिल रही है तो ये आपकी स्किन को ब्राइट तो बनाएगा ही, स्किन को रिपेयर करेगा, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट रखेगा क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड में गुडनेस होती है कि वो आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को लॉक करता है। तो ये आपकी स्किन को स्पेशली समर में बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगा, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट रखेगा, बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा। तो आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं, जब भी आप अपना फेस वॉश यूज कर रहे हो उसके बाद थोड़ा सा अपने फेस पर टोनर स्प्रे कीजिए एंड अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप पहले सीरम अप्लाई कीजिए उसके बाद ये अलग क्रीम अप्लाई कीजिए एंड अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप सीरम को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली टोनर के बाद आप ये अलग फेस क्रीम अप्लाई कर सकते हैं एंड ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ग्रीसी या चिपचिपापन नहीं देगा। और लास्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये है वाव स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस सीरम। स्किन आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मेरी स्किन सुपर ऑयली है एंड एक्ने पिंपल की भी प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने ये वाला सीरम बाय किया। सीरम आप इस तरह छोटे से ग्लास के मिलेगा, ऊपर आपको काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा कई सारे फ्रूट के एक्सट्रैक्ट भी हैं, ये क्लेम करते हैं कि ये आपके एक्ने पिंपल को कंट्रोल करेंगे, जो एक्ने पिंपल के मार्क्स होते हैं उसे भी लाइट करेंगे जिससे आपकी स्किन ब्राइट करे। इसका भी आपको थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है एंड थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में है, बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रांसपेरेंट कलर है एंड एकदम वाटर जैसा है, बिल्कुल भी मतलब इसमें ऑयल नहीं है, नॉन ऑयली है एंड इसे अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपकी स्किन एकदम मैट फिनिश देगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी। यू कैन सी ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई किया है, तुरंत ये क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड स्किन एकदम मैट फिनिश देगी। तो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ये सीरम है। इस सीरम को आप अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ जहां जहां आपके एक्ने पिंपल है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक्ने पिंपल पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है, साथ ही एक्ने पिंपल के मार्क्स पे भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, उन्हें धीरे धीरे लाइटर करती है। मेरी आज की वीडियो, मैंने आपको इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में छोटा सा रिव्यू भी दे दिया एंड इसका डेमो भी दिखा दिया कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना
करना है। इन केस अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।